अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा NFT प्रोजेक्ट शेयर करने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री में आप लोग NFT हासिल कर सकते हैं यहाँ से। तो तरीक़ेकार क्या है, तमाम बातें डिटेल से बताने वाली हूँ। लिंक आप लोगों को मैंने दिया हुआ है वैसे तो डिस्क्रिप्शन में भी, लेकिन आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से कॉपी के बटन को कॉपी करना है, ठीक है। पहले कॉपी कर लेना है ये। कॉपी करने के बाद जो है आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर आपके पास दो तरह के ऑप्शन है, यानी ये एप्लीकेशन आईफोन वालों के लिए भी है और एंड्रॉयड वालों के लिए भी। तो आपने गेट इट गूगल प्ले में कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है क्या है एंड्रॉयड फ़ोन है, आईफोन नहीं है। तो आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर लेट्स स्टार्ट का बटन है, आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। आपने यहाँ पर भी नेक्स्ट करना है और आपने यहाँ पर भी नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी मिली हुई हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ आपके पास दो तरह के ऑप्शन है, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक। तो मैं करूँगी यहाँ कंटिन्यू विद गूगल, तो आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए हैं, एक है आई हैव अ कोड और ज्वाइन विदाउट कोड। तो मैं यहाँ कोड लगाऊंगी। उसकी वजह ये है कि इससे हमारे भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं NFT जो है हमारे पास यूनिक निकलने के। तो मैंने कोड लगाया और ओके कर दिया है। ओके करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ऊपर लिखा हुआ है 500 अवेलेबल टू नेक्स्ट लेवल 200, ठीक है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ गेम्स नज़र आ रहे होंगे, जो कि आप प्ले करके जो है यहाँ पर मज़ीद NFTs जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको ट्रॉफीज़, ये मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, देखें ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर माई NFT का एक ऑप्शन है, आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी तक आप देख सकते हैं हमारे पास कोई एक भी NFT नहीं है। अब इन्होंने बोला है कि आप कैसे करेंगे NFT को अनलॉक। भाई जब आप यहाँ पर प्रिडिक्शन करेंगे रोज़ाना, भाई कॉइन्स के बारे में प्रिडिक्शन होती है, और आपने 100 प्रिडिक्शंस कर लेंगे, यानी 100 प्रिडिक्शंस कर लेंगे, तो आप लोगों की NFT अनलॉक हो जाएगी, यानी आप उसे विड्रॉ भी कर पाएंगे। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बोला, भाई अगर आप किसी दोस्त को इन्वाइट करते हैं और 3 दोस्त आपके आ जाते हैं, तो भी आपकी NFT क्या हो जाएगी, वो अनलॉक हो जाएगी। तो 25 के बाद ही आपकी NFT जो है अनलॉक हो जाएगी। इसी तरह इन्होंने आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताई हुई हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों को भी आपने इसमें लाजमी इनवाइट कर लेना, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ पर आता है आखिरकार प्रेडिक्शन करने का ऑप्शन। तो यहाँ हिस्ट्री में आप जाएंगे, गो प्रेडिक्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास एक कुछ इस तरह का जो है टैब ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो इसको, 3-3 पॉइंट होते हैं, फ्री में होता है, कोई आपके पैसे नहीं लग रहे हैं। आप यहाँ पे प्रेडिक्शन करके मुख्तलिफ आप आराम से 100 प्रेडिक्शन कर लेंगे, जब रोज़ाना आपको 10 से 15 ये प्रेडिक्शन करने को मिल रही होंगी, बल्कि शायद ज़्यादा मिल रही होंगी। नेट स्लो है मेरा, ये देख सकते हैं आप। तो आप लोग बहुत ही आसानी से इस पर कर पाएंगे। यहाँ पे ट्राविया भी है, आप यहाँ पे ऊपर भी चेक कर सकते हैं, कुछ टॉप्स दिए हुए हाई कॉस्ट लो कॉस्ट जो भी है ना, आपने उस हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इस पर अर्निंग करनी है। और फ्री में NFT कैसे हासिल करनी है वो मैं अब आपको बताऊँगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपका अपना यूज़र नेम लिखा होगा, आपने इधर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद वॉलेट के ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पर ऐड वॉलेट एड्रेस है, तो यहाँ पर आपने वॉलेट एड्रेस लगाना है। किस चीज़ का लगाना है वो भी बता देती हूँ। आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट में ही चले जाना है, और यहाँ से आपका जो इथेरियम या ERC-20 का एड्रेस होता है, ठीक है, वो आपने ले लेना है। और लेने के बाद यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आके आपने इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करके ऐड न्यू एड्रेस करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो चुका है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू क्लेम NFT, ठीक है। आपको मैं बताऊँ, अब आपने कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना है। 10 से 15 मिनट आप वेट करोगे, यहाँ पर जो है ना आपकी NFT ऑटोमेटिक आपके वॉलेट के अंदर जो है वो आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 500 कॉइन्स मिलते हैं, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है इन्होंने। फिर यहाँ पर आपके वॉलेट के अंदर आपको वो NFT जो है वो क्या होगी, वो शो होगी। फिलहाल मैंने ये डिफ़ॉल्ट वॉलेट बना दिया है, यानी कि सबसे पहला वॉलेट ये है। तो आपको NFT दोस्तों मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अच्छा, दोस्तों को इनवाइट कैसे करना है वो तो मैं बताना आप लोगों को भूल गई हूँ, तो बता देती हूँ। तो दोस्तों, आपने फिर से यहाँ पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद प्रोफाइल में जाना है। यहाँ पर इन्वाइट योर फ्रेंड्स एंड विन रिवॉर्ड्स का एक ऑप्शन है, आपने यहाँ से शेयर रेफर कोड पर क्लिक करना है, और कॉपी करने के बाद अपने दोस्तों को जो है आपने क्या करना है, इनवाइट कर लेना है। सिंपल सी चीज़ है। जब आपका कोड कॉपी हो जाएगा, आप लोगों ने क्या करना है, आपने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करना है, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट को आपने ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है टोकन्स और NFT का।
NFT के अंदर जाने के बाद आपने सिंपली इसे ओपन करना है, ठीक है। जब आप ओपन करेंगे ऊपर से आप नेटवर्क को कर देंगे पॉलीगॉन, पॉलीगॉन पे चेंज करने के बाद आपने इन थ्री लाइंस पर क्लिक करना है। ये जो आपके थ्री लाइंस है ना, इन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है, कौन सा ऑप्शन आ रहा होता है मैं दिखा भी देती हूँ करके, ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पर आपको मिला होता है अकाउंट्स का ऑप्शन, आप अकाउंट्स में जाएंगे। अकाउंट्स में जाने के बाद आपने प्रोफाइल में जाना है। सिंपली प्रोफाइल आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कलेक्टेड में कुछ NFTs हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये रही दो। अब आपने अपनी NFT कैसे फाइंड करनी है, कलेक्टेड में नहीं आएंगी, आपके पास आएगी हिडन में, 10 से 15 मिनट बाद आती है, इसलिए अभी यहाँ पे मेरी भी शो नहीं हो रही, तो यहाँ पर वो शो हो जाएगी, फिर बाद में उसको आप अनहाइड करके कलेक्टेड में ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।